तीन तीन घंटे दो दो घंटे जाम लगा रहा है शहर में। आज मैं शहर में गया, एक घंटे तक जाम में ही फंसे रहे। हालत तो बहुत खराब है और जाम इतना है कि लोग बाग बड़े परेशान है। कोई अधिकारी, कोई शासन, कोई प्रशासन इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा। ये बहुत गंभीर मामला है और कई कई घंटे लोग जाम में फंस रहते हैं। कई मरीज हैं तो मरीज दम रास्ते में दम जोड़ देते हैं, अस्पताल तक नहीं पहुंच पाते हैं। और इस तरफ कोई ध्यान सरकार नहीं दे रही है। स्थानीय प्रशासन भी बिल्कुल इसमें जो है बिल्कुल फेल है। और लोगों में जहाँ भारी रोष है वहीं उनके जो है काम भी छूट जाते हैं। जो बाहर देश में जाने वाले हैं उनको रास्ते में रोकना पड़ता है। बड़ी गंभीर समस्या है और इस समस्या का कोई समाधान इस समय हमें कोई नज़र नहीं आ रहा है। इन समस्त जो ट्रैफिक जाम लग रहे हैं उनका कारण बड़ी बड़े वाहन, कुछ इलीगल वाहन जो पॉपुलर के लॉक्स लेकर के ट्रैक्टर्स चलते हैं वो, कुछ मिनरल के ट्रक्स चलते हैं वो, रोड की जो बहुत ख़राब स्थिति हो गई है उसके चलते इन सारी चीज़ों को आज एग्जामिन किया गया है। बहुत सख्त निर्देश दिए गए हैं, टीम्स बनाई गई हैं। आपके माध्यम से मैं ये अपील करना चाहूँगा कि दो तीन दिन के अंदर बहुत ही तेज स्ट्राइक इसके ऊपर किया जाएगा। इसलिए जो लोग ये काम कर रहे हैं वो काम समाप्त कर दें। इसलिए कुछ दिनों में एक्सीडेंट्स की भी समस्याएं सामने आई हैं जिनमें कुछ लोगों की जाने गई हैं। ऐसी कंडीशन में इस तरीके का इलीगल कार्य करने वाले, जाम लगाने वाले लोगों को बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा और बहुत ही सख्त कदम उठाने के लिए प्रशासन तैयार है।